Hi everyone, welcome back to my channel Busy Bee. Myself Khushbu and मैं इस चैनल में DIYs and home decor related videos बनाती हूँ. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा किचन टूर. तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहती हूँ जहाँ पे कुछ भी फैंसी या स्टाइलिश नहीं होता. हमारा जो किचन है वो बहुत ही बेसिक है. यहाँ पे आपको कोई मॉड्यूलर कैबिनेट्स या स्टाइलिश डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे. ये बहुत ही बेसिक है. जो भी डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर DIY'd या फिर वो जुगाड़ है, प्रॉपरली जुगाड़ है. बहुत ही बेसिक है हमारा ये किचन जिसमें आपको कुछ भी स्टाइलिश या मॉड्यूलर देखने को नहीं मिलेगा. बट येस, डेफिनेटली ये एक रेंटर फ्रेंडली मेकओवर है. एंड ये मेकओवर भी मैंने एक दिन दो दिन में नहीं किया है, मैंने लास्ट एक साल में धीरे धीरे करके किया है. तो इसके लिए मैं इसका मेकओवर आपके साथ शेयर नहीं कर पाई. बट ठीक है, मैंने जो भी किया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मुझे इस घर में पूरे एक साल हो चुके हैं एंड लास्ट ईयर हमारा ये किचन कुछ ऐसा दिखता था. तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा ये किचन कैसा दिखता है. तो मेरे किचन का एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है. राइट हैंड साइड का जो वॉल है उस पे मैंने ये वॉल डेकोर लगा रखा है. इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बट रेफरेंस के लिए मैं फिर से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये है एक फॉयर एरिया जिसको मैंने मंदिर में कन्वर्ट किया था. अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. ये वॉल मैंने फ़िलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ा है, मैं कुछ बनाऊँगी वहाँ पे. एंड दिस इज़ द कैबिनेट जहाँ पे मैं अपनी सारी क्रॉकरीज रखती हूँ. तो अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ. तो किचन के डोर पे मैंने ये दो स्पैचुलाज हैंग कर रखे हैं. जो पिज़्ज़ा वाला स्पैचुला है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने 5 किचन DIYs आइडियाज़ में, तो आप वो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे किचन का फर्स्ट वॉल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है. हाँ, थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आगे भी कुछ ना कुछ तो बनाती ही रहूँगी. तो ये जो मैंने बनाया है ये मैंने केक बेस से बनाया था जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. सेंटर में जो आप बुलेटिन बोर्ड देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक हीट पैड था जिसको मैं यहाँ पे एज अ बुलेटिन बोर्ड यूज़ कर रही हूँ. एंड ये जो पुश बटन्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्लिप के साथ जो क्यूट एलिमेंट्स जो क्लिप के ऊपर स्टिक होके आते हैं वो मैंने यूज़ किया है. नेक्स्ट आते हैं हम अपने फ्रिज की तरफ. तो यहाँ पर जो मैगनेट्स हैं वो भी मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है. ये बॉटल शेफ़ की वीडियो मैंने शेयर की है एंड दैट वाइन पेंटिंग ऑल्सो. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चॉक बोर्ड, ये मैंने इत्से बित्से से मंगाया था 99 रुपीज़ में. एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये है एक वुडन बॉक्स जिसके ऊपर मैंने मिनियन स्टिक कर दिया है एंड इसके अंदर मैं अपने चॉक रखती हूँ. एंड उसके बाद जस्ट फ्रिज के पीछे जो वॉल है वो काफ़ी एम्प्टी था तो मैंने वहाँ पे अपनी इस पेंटिंग को हैंग किया है. नेक्स्ट आते हैं हम इस कैबिनेट की तरफ. तो ये छोटू सा कैबिनेट है जिसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरीज रखती हूँ. यहाँ पे आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही छोटा है ये कैबिनेट तो हमें सब कुछ एक ही जगह पे रखना होता है. एंड नेक्स्ट आते हैं हम इस शेल्फ की तरफ. यहाँ पे मैं अपने सारे खड़े मसाले एंड नमक रखती हूँ. एंड उसके बाद हम आते हैं उसके नेक्स्ट शेल्फ पे. तो इस शेल्फ पे मैं अपने डेकोरेशन वाले सारे जार्स एंड कैनिस्टर्स रखती हूँ. एंड ये वुडन ट्रे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये DIY ट्रे है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने DIY की हैं. यहाँ पे मैं सबसे ऊपर यहाँ पे मैं ड्राई फ्लोर रखती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए एंड इसमें मैं पाउडर मसाला एंड नीचे वाले डब्बे में मैं पापड़ रखती हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ कप के कलेक्शंस रखे हैं, मुझे कप कलेक्ट करना बहुत पसंद है. एंड ऊपर के सेक्शन में ये ग्लास के सारे बोल्स मैंने रखे हैं. एक्सट्रीम कॉर्नर में जो बास्केट है इसमें मैं सारे डब्बों के लीड्स रखती हूँ. जो भी छोटे मोटे डब्बे हो जाते हैं या उनके ढक्कन होती हैं उनको मैं यहाँ पे एक जगह रखती हूँ ऑर्गेनाइज वे में. अब आते हैं हम उसके नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे. तो यहाँ पे है हमारा माइक्रोवेव, उसके ऊपर ये एक ग्लास था मेरे पास वेस्ट सा पड़ा हुआ तो उसमें मैं अपने डेली यूज़ वाले फोक एंड स्पून्स रखती हूँ. एंड यहाँ पे ये छोटा सा केटल सेट है जो मैं मेले से ख़रीद के लाई थी जिसमें मैं अपने रबर बैंड्स रखती हूँ यहाँ पे कुछ भी पैक करने के लिए.
तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने ऑयल वाली सेक्शन की तरफ। ये जो नॉजल है ये मैंने लास्ट ईयर अमेजोन से लिया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं इसे ऑयल बॉटल में ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये स्टैंड भी मैंने अमेजोन से मंगवाया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है एंड ये काफ़ी कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को अरेंज करके एंड ऑर्गेनाइज करके रखता है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया एंड इसके अंदर मैंने अचार, घी एंड चिया सीड्स रखे हैं। एंड इस कटोरी में मैं बचा हुआ ऑयल रखती हूँ फॉर अ टाइमिंग, अदरवाइज मैं उसे फेंक देती हूँ, मैं बार बार उसे यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये नाइफ का एंड सीजर का सेट रखा है, उसके साइड में हमारा मिक्सर ग्राइंडर, केटल एंड ये पिकल जार है जिसके अंदर मैं अपने स्पैचुलाज एंड ऑयल रखती हूँ। उसके साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा गैस स्टोव रखा हुआ है एंड दैट्स इट, ये प्लेटफॉर्म यहीं ख़त्म होता है। तो अब चलते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म के नीचे के सेक्शन में जहाँ पे हमारे कोई ड्रॉर्स या कैबिनेट्स बने हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक ड्रॉर ख़रीदा था, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर 4 का सेट है, मींस एक सेट में 4 ड्रॉर्स हैं, बट क्योंकि हमारे इसकी हाइट बहुत कम थी, जो हमारा सेक्शन है उसकी हाइट बहुत कम थी, इसके लिए मुझे 2-2 सेक्शंस में इसे डिवाइड करके अरेंज करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं, मैंने यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस रखे हैं, स्टोरेज बॉक्स है जिसके ऊपर वाले डब्बे में मैं चिप्स एंड बिस्किट्स रखती हूँ एंड नीचे वाले सेक्शन में मैं ग्रॉसरी आइटम्स रखती हूँ। सो हियर कम्स द थर्ड वॉल ऑफ माई किचन, जहाँ पे ये एक छोटा सा विंडो है। विंडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लुक वाइज, तो उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये हैंडमेड कर्टेन यूज़ किया है। ये कर्टेन मैंने खुद घर में स्टिच किया है एंड ये मैंने अमेजोन से एक साड़ी मंगवाई थी, ये जॉर्जेट की साड़ी है जिसको मैंने कर्टेन में स्टिच किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्टेन के लिए ब्रैकेट ना यूज़ करके मैंने एल ब्रैकेट यूज़ किया है एंड सेकेंड लेयरिंग के लिए मैंने ये स्प्रिंग वायर यूज़ की है। मैंने यहाँ पे एल ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया था सो दैट कि अगर मुझे कभी कुछ हैंग करना हो जस्ट लाइक दिस, मैं उसे यूज़ कर सकूँ, अदरवाइज मुझे एक अलग से एल ब्रैकेट भी यूज़ करना पड़ता। अब आप देख सकते हैं कि जस्ट सिंक के ऊपर ये एक बर्तन स्टैंड है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंड मुझे पसंद नहीं है और इसके ऊपर मैं बहुत कुछ अगर डाल दूँगी तो वो बहुत ही क्लटर्ड लगेगा, इसलिए मैं उसे बहुत खाली रखने की कोशिश करती हूँ। तो विंडो के दोनों साइड में मैंने DIY प्लांटर हैंगर यूज़ किया है एंड कॉर्नर सेक्शन जो यहाँ पे खाली था, यहाँ पे मैंने एक ट्रे को एज अ टेबल यूज़ किया है एंड कुछ प्लांट्स एंड एक लैंटेन से मैंने उस कॉर्नर को डेकोरेट किया है, क्योंकि वहाँ पे जाने की ज़रूरत मुझे कभी पड़ती नहीं है कि मैं वहाँ जाके कुछ करूं, तो वो कॉर्नर वैसे भी एम्प्टी था। एंड वही साड़ी जो बची हुई साड़ी थी उससे मैंने जो सिलेंडर वाला सेक्शन था उसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम आते हैं अपने सिंक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग का सारा सामान रखा है एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये स्टील का बास्केट रखा है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसके अंदर मैं अपने बर्तनों को ड्रेन एंड कम्प्लीटली ड्राई होने तक रखती हूँ। उसके साइड में मैंने ये यहाँ पे बॉटल ऑर्गेनाइज़र DIY करके रखा है एंड इसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पॉट स्टैंड को यूज़ किया है एंड उसके ऊपर मैंने एक DIY कवर रखा है एंड इसमें कुछ टैसल से मैंने उसे डेकोरेट किया है। इसमें मैं अपना पानी स्टोर करके रखती हूँ, हालांकि मेरे वाटर फिल्टर में रनिंग वाटर आता है, मतलब मुझे उसमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। नेक्स्ट आते हैं मेरे फेवरेट कॉर्नर की तरफ, ये है हमारा चाय कॉर्नर। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ डेकोरेट तो नहीं किया है बट चीज़ें रखी हैं मैंने यहाँ पे। ये कप स्टैंड मैंने लिया था लास्ट ईयर एंड ये कप मैंने होम सेंटर से लिया था। ये जो जार है ये मैंने लास्ट ईयर ही गुड़गांव से लिया था, जब मैं अपना घर पहली बार सेट कर रही थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर उधर से ख़रीदी हैं। तो मोस्टली मैं चाय इस इंडक्शन पे ही बनाती हूँ एंड दिस इज़ माई टी कॉर्नर। तो इस प्लेटफॉर्म के नीचे कोई भी स्कोप नहीं था ऑर्गेनाइज़र या स्टोरेज कुछ भी रखने का, तो मैंने उसी साड़ी को एज अ कर्टन यहाँ पे यूज़ किया है।
अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा BusyB16 पे DM कर सकते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और मेकओवर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।